बच्चों नमस्ते। आज हम लिखावट के भेद के बारे में देखेंगे। हस्तलिपि भूत अथवा भविष्य बताने वाली ज्योतिष विद्या नहीं है, वरन विज्ञान पर आधारित मनुष्य के चरित्र का दर्पण है। हस्तलिपि विज्ञान से लिखने वाले के स्वभाव, मानसिक गठन तथा चरित्र के ऐसे विशेष लक्षणों का पता चलता है जो उसके व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। इसके द्वारा हम यह देखते हैं कि अमुक व्यक्ति वास्तव में क्या है तथा कितने गहरे पानी में है। बात यह है कि मनुष्य के स्वभाव में, उसके मन में तथा चरित्र में जो भी शक्तियां अथवा भली बुरी प्रवृत्तियां प्रधान होती हैं, वे मनुष्य की प्रत्येक क्रिया पर अपना प्रभाव व अपनी छाया डालती हैं। क्रोधी अथवा अशांत प्रकृति का मनुष्य जिस विशेष प्रकार से चलता फिरता है अथवा विशेष हाव भाव से बातचीत करता है, उसी प्रकार वह विशेष ढंग से विशेष चिन्हों, लाइनों, घुमाव, बिंदुओं, मात्राओं द्वारा लिखता भी है। भिन्न भिन्न मानसिक अवस्था में लिखे गए पत्रों को देखते हुए तथा एक ही प्रकार के चरित्र गुण वाले भिन्न भिन्न व्यक्तियों की लिपि को देखते हुए इस विद्या को वैज्ञानिक रूप मिलता है और हम विश्वासपूर्वक कह सकते हैं कि अमुक प्रकार की लेखन शैली वाला व्यक्ति अमुक प्रकार की मानसिक विशेषता रखता है या अमुक प्रकार का आचरण करता है। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के व्यक्ति, जैसे कि आत्मनिर्मित व्यक्ति, उत्साही व्यक्ति, लोभी तथा कायर व्यक्ति, चंचल व्यक्ति विभिन्न प्रकार की लिखावटें लिखते हैं। इन लिखावटों पर सामयिक एवं मानसिक परिस्थितियों का प्रभाव पड़ता है। भय, घबराहट, क्रोध, दुख, निराशा आदि उत्तेजना की अवस्था में लिखी गई पंक्तियां तथा अक्षर अपने स्वभाव के अनुरूप विभिन्नता प्रदर्शित कर देते हैं। आइए देखेंगे लिखावट के क्या प्रकार होते हैं। जो व्यक्ति स्वभाव से गंभीर और स्थिर चित्त है, उनमें अपने उत्तेजना जनित आवेश तथा घबराहट को रोक के लेने की आदत होती है। उसे अपने मन पर अधिकार होता है, उसकी आत्मशक्ति दृढ़ होती है, परिस्थितियां उसे हिला नहीं सकती, अतः लेखनी भी उसके अधिकार में चलती है। उसके बनाए हुए अक्षर स्थिर रहते हैं। इसका कारण यही है कि उसमें भावुकता के आवेग से बढ़कर आत्मशक्ति की मात्रा कहीं अधिक बलवान होती है। भावुकता प्रधान व्यक्ति भावुकता में मनुष्य क्या नहीं कर डालता, क्या नहीं त्याग देता, तो क्या वही व्यक्ति लेखनी चलाते समय स्याही अथवा स्थान की कंजूसी करेगा? उसकी लेखनी में स्याही का उसकी भावुकता के प्रवाह की तरह प्रचुर मात्रा में बहना स्वाभाविक ही है। भावुकता प्रधान व्यक्ति की लिखावट में परिवर्तनशीलता की मात्रा अधिक पाई जाती है। उसकी लेखनी में स्याही का उनकी भावुकता के प्रवाह की तरह प्रचुर मात्रा में बहना स्वाभाविक ही है। भावुकता प्रधान व्यक्ति की लिखावट में परिवर्तनशीलता की मात्रा अधिक पाई जाती है। उसमें आत्मनिर्माण की शक्ति निर्बल रहती है। आगे हम देखेंगे आध्यात्मिक वृत्ति वाला व्यक्ति कैसे लिखता है। आध्यात्मिक वृत्ति वाला व्यक्ति अपने मन को, अपने विचारों को ऊपर अनंत की ओर उठाने का प्रयत्न करता है। इसलिए जब वो लिखता है तो उसके अक्षरों का ऊपरी भाग अधिक स्पष्ट और उन्नत होता है।
अपने आप को कुछ विशेष महत्वपूर्ण समझने वाला व्यक्ति अर्थात स्व महत्व चाहने वाला व्यक्ति कैसे लिखता है? अपने आप को कुछ विशेष महत्वपूर्ण समझने वाला व्यक्ति अपनी बात को असाधारण और आवश्यक जोर देकर कहता अथवा दोहराता है। इसका कारण यह है कि वो अपने अंतर्मन की दुर्बलता को जानता है कि उसकी बात को साधारण ढंग से यह महत्व नहीं मिलेगा जो कि वो प्राप्त करना चाहता है। उसमें आत्मविश्वास की कमी होती है। ऐसा व्यक्ति जब कुछ लिखता है अथवा अपने हस्ताक्षर करता है तो उसके नीचे लेखनी पर विशेष दबाव देकर एक रेखा अथवा एक से अधिक रेखाएं खींच देता है अथवा ऐसा कोई अन्य व्यक्ति बड़े आकार के अक्षर बनाता है। प्रायः देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति अपने अक्षर बड़े आकार के तथा अस्पष्ट बना देते हैं। ये आचरण किसी प्रकार की विलक्षणता के चिन्ह बनाने के लिए होते हैं जिससे पाठकों का ध्यान उनकी ओर विशेष रूप से आकर्षित हो सके। मानो वो चिल्लाकर कहता है कि देखिए श्रीमान जी, ये मैं हूँ, मैं यहाँ हूँ, मुझे भी देखिए, मेरे महत्व की ओर ध्यान दीजिए। इस तरह हम देखते हैं कि लिखावट मनुष्य की एक ऐसी क्रिया है जिस पर उसकी मानसिक अवस्था का तुरंत एवं शुद्ध प्रभाव पड़ता रहता है। आइए हम वैधु तत्व के बारे में देखेंगे। इस प्रकार के मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से इस विषय का अध्ययन तथा शुद्ध वैज्ञानिक आधार तैयार होता है जिस पर संदेह नहीं किया जा सकता। मनुष्य के व्यक्तिगत मूल्यांकन व उसकी वास्तविक पहचान करने का सबसे अच्छा और सही माध्यम उसकी लिखावट ही है। मनुष्य अपना काम निकालने के लिए एक बार अपनी भाषा, वाणी, हावभाव, मुख चेष्टा इत्यादि को समयानुकूल नाटकीय बताकर आपको धोखे में डाल सकता है, परंतु अपनी लिखावट में वह अपने अंतःकरण की अज्ञात प्रेरणाओं को स्पष्ट होने से नहीं रोक सकता। तभी तो लिखावट के द्वारा यह पहचान होती है कि लिखने वाला व्यक्ति किस प्रकार का है तथा कितने गहरे पानी में है।